हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी सो अमेजिंग. आई एम रजनी मंगाए, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु. सो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी विल सी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? तो आज हम लोगों ने करना है स्टार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वी विल सी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट इट. दिस इज द डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैव द पेयर्ड टेस्टीज, जो हमें दोनों तरफ दिख रहा है, राइट? ओवल शेप पेयर्ड टेस्टीज, ये पहला ऑर्गन है. एंड जो टेस्टीज, पेयर्ड टेस्टीज है, बच्चा इसका फंक्शन क्या है? दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. तो हम लोग इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे. इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं वो भी अभी हम देखने वाले हैं. फाइनली उसके बाद जितने भी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एक्चुअली उसके अंदर क्या होता है, गेमीट फॉर्म होता है. गेमीट फॉर्मेशन इसके अंदर होगा और वो जो गेमीट है वो बनकर बाहर निकलेगा ट्यूब्स के थ्रू. तो ये जितनी भी आपको दिख रही है, जैसे यहाँ पे इसने इन्होंने दिया हुआ है लेबलिंग, रेटी टेस्टीज है. फिर रेटी टेस्टीज छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, वो खुलेंगे वास इफरेंशिया में. वास इफरेंशिया खुलेगा एपिडिडिमिस में. एपिडिडिमिस जो है वो ये पूरा एक कॉइल ट्यूब है जो खुलेगा फाइनली वास डिफरेंस में. और वास डिफरेंस जो है वो खुलेगा यूरेथ्रा में. और यूरेथ्रा जो है फिर इस अपर्चर के थ्रू, ये जो यहाँ पे पीनिस में अपर्चर है, यूरिनो जेनिटल अपर्चर, इस अपर्चर के थ्रू यहाँ पे लेकर जाएगा गेमेट्स को बाहर. तो मीन्स ये जितने भी डक्ट्स अभी मैंने आपको दिखाई, इंक्लूडिंग यूरेथ्रा, ये सारे के सारे एक्सेसरी डक्ट्स हैं जिनसे स्पर्म बॉडी के बाहर निकलता है. तो हम ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे. उसके बाद जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड हैं. तो एक है सेमिनल वेसिकल, ये यहाँ पे दो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और दो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिनको हमने काफी डिटेल में भी पढ़ना है. दीज आर एक्सेसरी ग्लैंड्स. सो हम पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ेंगे, फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, और फिर फाइनली यहाँ पे जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है दैट इज पीनस, फिर हम पीनिस का स्ट्रक्चर देखेंगे, विच इज द कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर. कॉपुलेटरी कॉपुलेशन में मतलब इसी से ही यहाँ पे गेमीट्स बाहर रिलीज होते हैं. और ग्लैंड्स का काम क्या होता है? तो ये सिक्रीशन पोर करते हैं, राइट? इनका काम होता है सिक्रीशन निकालना. क्या सिक्रीशन है वो भी अभी हम देखने वाले हैं. तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है? तो मैंने कहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या करना है. सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या हमने देखना है? टेस्टीज. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखेंगे. और क्या क्या चीजें होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? सेकेंड चीज हमने देखनी है एक्सेसरी डक्ट्स. इन सारी एक्सेसरी डक्ट्स को हम पढ़ेंगे डिटेल में, जिसके थ्रू स्पर्म बाहर जाता है स्पर्म बॉडी के. और थर्ड हमने देखना है एक्सेसरी ग्लैंड्स. तो एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या करती हैं? चीजों को सिक्रीट करती हैं, विच वी विल सी. और जो चौथी चीज है दैट इज द पीनिस, जो कि कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है मेल का, राइट? तो ये सारी चीजों को मिलाकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है. तो एक एक करके इन चारों चीजों को एक एक करके हमने काफी डिटेल में पढ़ना है. तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट? सो बेटा, जब हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, वी नो इट इज हैविंग टेस्टीज. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसको बोलते हैं, टेस्टीज को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेस्टीज के अंदर होता है गेमीट फॉर्मेशन. गेमीट मतलब ऑब्वियसली स्पर्म फॉर्मेशन, जिसको स्पर्माटोजेनेसिस भी बोला जाता है, राइट? सो गेमीट फॉर्मेशन और स्पर्माटोजेनेसिस इसको बोलते हैं स्पर्म फॉर्मेशन. सो बेटा, स्पर्माटो मीन्स स्पर्म होता है और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन होता है. गॉट इट? सो स्पर्म फॉर्मेशन हैपन इन दी टेस्टीज, एज सिंपल एज दैट. गेमीट फॉर्मेशन के बाद ये क्या काम करता है? सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, राइट? तो यहाँ पे इट सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन. सो मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? इट विल बी टेस्टोस्टीरोन. क्या होता है बेटा?
इट विल बी टेस्टोस्टेरोन, ये आपको याद रखना है. और टेस्टोस्टेरोन इज मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन भी बोल दिया जाता है इसे. तो ये चीज आपको याद रखना है. दिस इज द अदर फंक्शन ऑफ द टेस्टिस, गॉट इट? और इन दो फंक्शन की वजह से वी कॉल्ड इट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. उसके बाद अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया कैसे शेप का था, ओवल शेप का, ओवल शेप का ये प्रेजेंट होता है, राइट? सो इट इज बेसिकली पेयर्ड ओवल शेप. तो ओवल शेप है और पेयर्ड है. उसके अलावा जो टेस्टीज है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड बॉडी. तो एक्स्ट्रा एब्डोमेन, बॉडी एब्डोमेन के बाहर ये प्रेजेंट होता है, राइट? तो एब्डोमेन हमारे जो पेट वाला रीजन है. सो बच्चा दैट इज एब्डोमेन, लेकिन ये एब्डोमेन के बाहर, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है. तो ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट एक्स्ट्रा एब्डोमिनली. इट इज प्रेजेंट एक्स्ट्रा एब्डोमिनली मीन्स एब्डोमेन के बाहर. और क्यों प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर स्क्रॉटम में. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज टेस्टीज, एंड टेस्टीज जो है देखो इस तरीके से स्क्रॉटम के अंदर बंद है. दिस इज द स्क्रॉटम एंड ये दिस इज द टेस्टीज, राइट? सो टेस्टीज इज प्रेजेंट आउटसाइड बॉडी एज यू कैन सी इन द डायग्राम. एंड बच्चा यहाँ पे दिस इज द स्क्रॉटम, राइट? सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर. उसके बाद दिस इज द स्क्रॉटम एंड दिस इज टेस्टीज. टेस्टीज को स्क्रॉटम से जोड़ने का काम होता है फाइब्रस कॉर्ड का, फाइब्रस कॉर्ड. और इन फाइब्रस कॉर्ड का नाम होता है ग्यूबरनैक्युलम. सो दीज आर नोन एज ग्यूबरनैक्युलम. सो ग्यूबरनैक्युलम आर फाइब्रस कॉर्ड विच कनेक्ट टेस्टीज टू स्क्रॉटम. तो यहाँ पे टेस्टीज को स्क्रॉटम से कनेक्ट करने का काम होता है एज यू कैन सी इन द डायग्राम, राइट? सो बच्चा यस, व्हेन वी टॉक अबाउट टेस्टीज यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस. इट इज प्रेजेंट एक्स्ट्रा एब्डोमिनली इन स्क्रॉटम, इन स्क्रॉटम. एंड व्हाई इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इन स्क्रॉटम, टू मेंटेन टू टू 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर. तो बॉडी से इतना टेम्परेचर हमें कम रखना पड़ता है, कम मेंटेन करना पड़ता है फॉर स्पर्मैटोजेनेसिस. इसलिए फॉर स्पर्मैटोजेनेसिस, स्पर्मैटोजेनेसिस के लिए मीन्स स्पर्म फॉर्मेशन के, राइट? So that's why it is present outside the body. अब यहाँ पे if we see its length, so अगर हम testes की length देखेंगे so it will be approx 4 to 5 centimeter, breadth 2 to 3 centimeter. So you can learn it like this, the length जो है, width जो है इसकी, breadth नहीं, width, right? So जो breadth है that will be, उसके जो विड्थ है इट विल बी 2 to 3 centimeter, 2, 3, 4, 5 करके आप याद रख सकते हो, राइट? उसके अलावा यहाँ पे जो टेस्टीज है, अभी मैंने कहा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बॉडी के बाहर रहता है. अब ये बॉडी के बाहर आता कब है, कि जब ये बॉडी के बाहर तब आता है जब फीमेल 7 month प्रेग्नेंट होती है. कितने मंथ प्रेग्नेंट? 7th month प्रेग्नेंट होती है तब यहाँ पे आती है टेस्टीज बॉडी के बाहर. तो टेस्टीज की जो लेंथ थी इट वॉज 4 to 5 centimeter, विड्थ 2 to 3 centimeter, 2, 3, 4, 5 करके आप याद रख सकते, राइट? और मैंने कहा ये कब बाहर आती है, तो इट इज बेसिकली रिली और इट बेसिकली डिसेंड इन दिस स्क्रॉटम ड्यूरिंग 7 month ऑफ प्रेगनेंसी. जब उसकी मदर 7 month प्रेग्नेंट है, तो जब वो एम्ब्रियो 7 month का हो गया तो उसकी बॉडी में, एम्ब्रियो की बॉडी में टेस्टीज स्क्रॉटम में डिसेंड हो, राइट? सो मीन्स टेस्टीज डिसेंड इनटू स्क्रॉटम इन विच मंथ, इनटू स्क्रॉटम
in 7th month of pregnancy. तो प्रेगनेंसी के 7 month में यहां पे डिसेंट होगी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ कौन सा हॉर्मोन? टेस्टोस्टेरोन. सो टेस्टोस्टेरोन, हाँ जी, टेस्टोस्टेरोन उस बच्चे के अंदर 7 month में बनेंगे और 7 month में उसी के इंफ्लुएंस में यहाँ पे क्या होगा, जो टेस्टीज है वो स्क्रॉटम में आएगी. अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? एनीबडी नोज, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर डिसेंट नहीं होगा तो क्या होगा उस कंडीशन में? तो यस, इफ फेल टू डिसेंट, अगर यहाँ पे ये डिसेंड होना नहीं हो पाया, इफ फेल टू डिसेंट, इट विल कॉज इनटू स्क्रॉटम दिस कंडीशन नोन एज क्रिप्टोर्काइडिज्म. दिस कंडीशन कॉल्ड क्रिप्टोर्काइडिज्म. मीन्स क्रिप्टो मीन्स हिडन, छुपी रह जाएगी एब्डोमेन के अंदर. सो ऑर्किड मीन्स ऑब्वियसली, ऑर्किड मीन्स टेस्टीज. सो टेस्टीज रिमेन इनसाइड द बॉडी. तो ऑर्काइडिज्म, ऑर्काइड का टर्म ही मतलब ही होता है टेस्टीज. तो टेस्टीज बॉडी के अंदर ही रह जाएगी एंड जिसके वजह से क्या होगा, स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी. ये जो है कभी स्पर्म पैदा नहीं, स्पर्म रिलीज नहीं कर पाएगा, बना ही नहीं पाएगा. इट विल कॉज स्टेरिलिटी. स्टेरिलिटी मीन्स इनफर्टिलिटी, ये कॉज करेगा. उसके बाद एक और कंडीशन होती है क्रिप्टोर्काइडिज्म के अलावा, सिनॉर्किडिज्म भी. सो सिनॉर्किडिज्म में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, सिन मीन्स होता है फ्यूज्ड, ऑर्काइडिज्म मीन्स टेस्टीज. सो टेस्टीज रिमेन फ्यूज्ड, उसी कंडीशन को सिनॉर्काइडिज्म बोलते हैं. गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टीज व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. सो आई एम श्योर बच्चा दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन. सो अभी तक हमने टेस्टीज के बारे में डिस्कस करा, अब हम टेस्टीज का जरा सेक्शन करके देखेंगे कि इसके अंदर होता क्या है. सो टेस्टीज का अगर सेक्शन करके देखेंगे तो ये सपोज टेस्टीज है, इसके अंदर ऐसे लोब्यूल्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं. तो ईच टेस्टीज हैज 250 कंपार्टमेंट्स, अप्रॉक्स 250 कंपार्टमेंट्स, 200 से 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं. 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लोब्यूल. यस, ये जो अंदर दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, दिस इज नोन एज टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स. तो ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होते हैं और इन 200 से 250 जो कंपार्टमेंट है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, एक एक को अगर सेक्शन करके देखेंगे, एक एक अगर अंदर देखेंगे तो दे हैव द हाईली कॉइल्ड ट्यूब इन इट व्हिच इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब. तो यहाँ पे एक एक के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब हाईली कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट होते हैं. सो मीन्स यहाँ पे ईच टेस्टिक्यूलर लोब्यूल देखेंगे तो दे हैव 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब. और सेमिनिफेरस ट्यूब ही टेस्टीज की ऐसी जगह है जहां पे कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस. तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब है 1, 2, 3, इट इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. एग्जैक्टली यहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, राइट? तो स्पर्मेटोजेनेसिस हैपन हियर, दैट वी विल सी. गॉट इट? So this is something which you have to remember. So जरा सेमिनिफेरस ट्यूब को zoom करके देखते हैं कि कैसा दिखता है. तो हमने जब देखा एक लोब्यूल के अंदर कि कैसा दिखता है, so obviously ये सारे, ये जो एक एक गोला है, ये this is the one सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर का व्यू. तो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब है. तो एक लोब्यूल के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब है वो सब दिखाया हुआ है. सो सिंपली बेटा यहाँ पे जो सेमिनिफेरस ट्यूब है ऑब्वियसली टेस्टीज का पार्ट है. तो टेस्टीज के अंदर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब है इसमें कौन कौन से सेल्स हैं देखना. तो यहाँ पे पहला जो सेल है सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर, पहला सेल है यहाँ पे जर्मिनल एपिथीलियम,
जो ऑब्वियसली बात है जर्मिनल एपिथीलियम जो ऑब्वियसली इसकी कवरिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है जर्मिनल एपिथीलियम एंड ऑब्वियसली दीज आर ऑल्सो नोन एज स्पर्मैटोगोनियम। सो स्पर्मैटोगोनियम भी इसका नाम होता है। और ये है कहाँ? ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। दूसरा सेल जो सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर होता है ये है, दिख रहा है सबको ये वाला? देखो ये जो सेल है ये है बेटा सर्टोली सेल। तो जो दूसरा सेल है सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर वो कौन सा है? सर्टोली सेल, ऑल्सो नोन एज नर्व सेल, ऑल्सो नोन एज सस्टेंटेक्युलर सेल। तो ये वाला सेल होता है सस्टेंटेक्युलर सेल। तो ये जो सेल है इसका काम क्या है वो भी हम देखेंगे। अब देखो ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल है और इनके बाहर स्पेस है। कैन यू सी दिस स्पेस? ये जो स्पेस है इसको इंटरस्टीशियल स्पेस बोलते हैं। इंटरस्टीशियल मतलब स्पेस। तो इस स्पेस में भी आपको कुछ कुछ सेल दिख रहे होंगे। तो ये जो सेल है दैट इज इंटरस्टीशियल सेल और लेडिक सेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, राइट? सो ऑब्वियसली ये तीन सेल हैं टेस्टिस के अंदर। ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस दिया हुआ है। तो उसमें से मैंने कहा कि दो सेल सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर है और एक उसके बाहर है। तो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर प्रेजेंट है इन दिस स्पेस, और जब स्पेस में प्रेजेंट है तो इसलिए इंटरस्टीशियल सेल बोल रहे हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दी स्ट्रक्चर ऑफ दीज थ्री सेल और फंक्शन ऑफ दीज थ्री सेल। तो टेस्टीज के अंदर थ्री टाइप ऑफ सेल्स है, थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स इन टेस्टीज, और उनका फंक्शन क्या है उनका लोकेशन भी मैंने बता दिया आपको। तो सबसे पहला जो सेल है बेटा दैट इज द लेडिक सेल, जो कहाँ प्रेजेंट है? ऑब्वियसली प्रेजेंट आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल, वो जो स्पेस है इंटरस्टीशियल स्पेस वहां पे। इसलिए इसका दूसरा नाम इंटरस्टीशियल सेल भी होता है, राइट? और इसका काम होता है टेस्टोस्टिरोन सिक्रीट करने का। सिक्रीट टेस्टोस्टिरोन, टेस्टोस्टिरोन कैसे सिक्रीट करता है? लेट मी टेल यू, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो आप सबने पढ़ा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन का। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और मेल के केस में इसका दूसरा नाम भी होता है इस हार्मोन का, पता है क्या? इसका दूसरा नाम होता है ICSH, दैट इज इंटरस्टीशियल। इंटरस्टीशियल मीन्स स्पेस। जो सेल उस स्पेस में प्रेजेंट है उसको स्टिमुलेट करना। तो इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस इज द अदर नेम ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? तो बेटा ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा। क्यों स्टिमुलेट करेगा? ये स्टिमुलेट, और ये ब्लड के थ्रू पहुंचता है। तो थ्रू ब्लड स्ट्रीम ये आया और ब्लड स्ट्रीम से तैरता हुआ चला गया टेस्टीज पे और लेडिक सेल पर एक्ट करेगा। लेडिक सेल सिक्रीट करेगा टेस्टोस्टीरोन, और ये टेस्टोस्टीरोन क्या करेगा? ऑब्वियसली बॉडी के जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, ये जो भी बॉडी में डेवलपमेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जितने भी बनने हैं वो सब टेस्टोस्टीरोन ही मेंटेन करता है। तो सेक्स हार्मोन यही बनाता है, राइट? ये आपको याद रखना। अब ये तो था पहले लेडिक सेल के बारे में विच सिक्रीट टेस्टोस्टिरोन। सेकेंड सेल है स्पर्मैटोगोनिया, और स्पर्मैटोगोनिया जर्मिनल एपिथीलियम ही बनाता है इसको, और इसको गेमीट मदर सेल भी बोलते हैं, मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। हमारी एनसीईआरटी में मेल जर्म सेल भी लिखा रहता है, राइट? सो ऑब्वियसली ये क्या करता है? आगे जाकर फॉर्म स्पॉर्म्स, स्पॉर्म्स बनाता है। ये इसका पर्पस है। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ सेल। थर्ड टाइप सेल जो है विच इज प्रेजेंट, एंड ऑब्वियसली दिस लेडी सेल प्रेजेंट इन दी स्पेस, प्रेजेंट इन स्पेस आउटसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल। ST मीन सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर प्रेजेंट होता है, जो उसका बाहर स्पेस होता है, राइट? थर्ड सेल इज सर्टोली सेल, नर्व सेल। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है नर्व सेल,
नाम से समझ में आ रहा है यार, क्या काम होगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करना है ना, नर्स होती है, देखभाल करेगी। तो सर्टोली सेल का काम भी वही होता है, इट विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोवा। तो जो भी स्पर्मेटोजोवा डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग स्पॉर्म जो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। दूसरा पर्पस, जब यहाँ पे स्पॉर्म बन रहा होता है, उसका सर बन रहा होता है, उसका हेड बन रहा होता है, तो कुछ कुछ पार्ट ना इसके शेड ऑफ हो रहे होते हैं, ठीक है, स्पॉर्म के, स्पॉर्म बनने के दौरान। तो जो भी शेड ऑफ पार्ट है, जो भी पार्ट शेड ऑफ हो रहा होता है, गिर रहे होते हैं, है ना, तो जो भी शेड ऑफ पार्ट है स्पॉर्म का, उनको खाने का काम, फेगोसाइटोसिस मतलब उनको खाने का काम, साफ करने का काम यही करता है। वाइट, वाइट मीन्स ऑब्वियसली सर्टोली सेल उसको खत्म करता है। उसके अलावा ब्लड से फालतू बेकार चीजें टेस्टीज में नहीं जाने देता। क्यों? टेस्टीज में स्पॉर्म बनते हैं, सो इसलिए इट विल मेंटेन टेस्टीज ब्लड बैरियर। तो ब्लड बैरियर मतलब ये फालतू चीजों को नहीं जाने देगा ब्लड से टेस्टीज में, और इसी के बीच में होता है टाइट जंक्शन, जो फालतू की चीजों को रोकेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा टेस्टीज को, क्योंकि ब्लड में तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो इन्फेक्शन जाएगा ही नहीं, क्योंकि वी हैव बैरियर, है ना, तो पूरी दीवार खींच रहा है ये। उसके अलावा ये सिक्रीट करता है इनहिबिन, और इनहिबिन का पर्पस क्या है? सिंपल, इनहिबिन जो है इट विल प्रिवेंट एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। तो बहुत ज्यादा एफएसएच की सिक्रीशन को, सिक्रीशन ऑफ एफएसएच को रोकेगा। एफएसएच इज हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है, और इसका काम जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस, विच इज द पार्ट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, उसको ट्रिगर करना होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो किसका हार्मोन है, पिट्यूटरी का, उसको रोकेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। सो इट इज दी हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सो इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि भैया अब हमें ज्यादा एफएसएच नहीं चाहिए, निकालना, इसको बंद करो, इसको सिक्रेशन बंद करो, राइट। दैट इज द पार्ट ऑफ द, दैट इज द फंक्शन ऑफ द इनहिबिन जो कि सर्टोली सेल सिक्रीट कर रहा है। इसके अलावा सर्टोली सेल देख रहे हो कितने काम का है, कितने सारे काम है इसके। सो इट सिक्रीट एंड्रोजन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है नाम से ही समझ में आ रहा है, एबीपी। तो एबीपी का काम क्या होता है? तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एनहांस करता है सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन मीन्स टेस्टोस्टेरोन, एनहांस सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सो ये इसका पर्पस होता है, एज सिंपल एज दैट, ये पर्पस है सर्टोली सेल का, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दी टेस्टिस। अब टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ होता है? सो ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट इन दी स्क्रॉटम। तो अगर स्क्रॉटम की बात करेंगे तो बेटा याद रखना कि स्क्रॉटम इज यू नो डीपली पिगमेंटेड स्किन पाउच, डीपली पिगमेंटेड, डीपली मतलब बहुत डार्कली पिगमेंटेड होता है, पिगमेंटेड पाउच ऑफ स्किन, जो क्या करता है, जिसके अंदर जो है पाउच ऑफ स्किन बॉडी के बाहर होता है, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, और जो स्क्रॉटल मसल इसमें होती है, वो स्क्रॉटल मसल क्या करता है, मेंटेन पोजिशनिंग ऑफ टेस्टीज, हेल्प इन पोजिशनिंग ऑफ द टेस्टीज। तो मतलब जो भी टेस्टीज है उसको सही पोजिशन पर मेंटेन करके रखेगा, तो टेस्टीज की पोजिशनिंग को मेंटेन करके रखता है, राइट। तो यहाँ पे कैसे मेंटेन करता है? तो स्क्रॉटल मसल ना दो टाइप की होती है, डाटोज मसल होती है और एक क्रिमेस्टर मसल। तो ये दोनों के दोनों ना बेटा स्क्रॉटल मसल का पार्ट है, डाटोस भी और क्रिमेस्टर भी। तो जो डाटस और क्रिमेस्टर मसल होती है, ये दोनों जो मसल है उनका काम क्या होता है, ये यहाँ पे टेस्टिस की पोजीशन को मेंटेन करती है। तो
अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक है, बहुत टेम्परेचर अगर लो है, तो कम टेम्परेचर में क्या होता है, टेस्टीज जो है उसको गर्मी चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको गर्मी चाहिए, बाहर बहुत बहुत कम टेम्परेचर चला गया, तो अब टेस्टीज गर्मी लेगी हमारी बॉडी से, तो टेस्टीज जो है वो ये जो डाटोस मसल और ट्रिमेस्टर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और टेस्टीज जो है वो हमारी एब्डोमेन की तरफ जाएगी और एब्डोमेन से हीट रिसीव करेगी, राइट। सो लो टेम्परेचर में क्या होगा, ये जो दोनों मसल हैं, दे दीज मसल जो दोनों मसल हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट इन लो टेम्परेचर, तो कॉन्ट्रैक्ट इन लो टेम्परेचर, जिसके वजह से टेस्टीज कहाँ मूव करेगा, टेस्टीज मूव testes basically tighten ho jayenge, it move and come closer to abdomen. और abdomen के पास क्यों आए, जिससे वहां से heat ये gain कर सके, और वहीं पर अगर बहुत ज्यादा high temperature है, गर्मी है बाहर, तो relax हो जाएंगे ये दोनों muscle in high temperature. और जब ये रिलैक्स हो जाएंगे तो टेस्टीज अल्टीमेटली इट विल मूव अवे, सो टेस्टीज हमेशा एब्डोमेन से थोड़ी दूर चली जाएंगी, राइट। सो टेस्टीज मूव अवे फ्रॉम एब्डोमेन, चाहे क्यों जाएंगे बेटा, टू रिलीज हीट, तो जिससे हीट को रिलीज कर सके, और यहाँ पे एब्डोमेन के पास क्यों जाएंगी, सो ऑब्वियसली इसलिए जाएंगी टू गेन हीट. तो ये इसका पर्पस होता है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से डाटोस मसल और क्रिमेस्टर मसल मदद करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. और जो स्क्रॉटम है, ये स्क्रॉटम है, इसके अंदर टेस्टीज है, और मैंने कहा टेस्टीज का जो टेल एंड है, कॉडल एंड है, वो ग्यूबरनैक्युलम फाइब्रस कॉर्ड से इसके साथ चिपका होता है, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ये स्क्रॉटम जो है वो एब्डोमेन से अटैच्ड होता है, इसके थ्रू, तो ऑब्वियसली अभी हम देखेंगे केनाल का नाम, तो यहाँ पे ये एब्डोमेन के साथ अटैच्ड होती है, तो ये जो मसल, ये जो यू नो केनाल है, दैट इज द इंग्विनल केनाल. सो इंग्विनल केनाल का काम क्या होता है, इट कनेक्ट्स स्क्रॉटम को बॉडी से कनेक्ट करके रखता है, पेल्विक पार्ट ऑफ द बॉडी, एब्डोमेन पार्ट ऑफ बॉडी से कनेक्ट करके रखता है, और इसी के अंदर एक कॉर्ड होती है, एक डक्ट होती है, स्पर्मैटिक कॉर्ड और डक्ट. तो इस कॉर्ड के थ्रू क्या होता है, जो भी ब्लड वेसल है, नर्व सप्लाई है, या टेस्टीज की जो डक्ट होंगी, वो एब्डोमेन में वापस एंटर कर जाती है. तो जो स्पर्मैटिक डक्ट है बेटा, उसका काम क्या होता है, दिस इज यहाँ पे ये पैसेज है, तो जहां से क्या क्या पैसेज होगा, पैसेज ऑफ ब्लड सप्लाई, ये नर्व सप्लाई, इन सबका पैसेज है ये, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये टेस्टिकुलर डक्ट. सो टेस्टिकुलर डक्ट भी यहीं से ही पास होती है, टेस्टिकुलर डक्ट पासेस थ्रू हियर, दैट इज द पर्पस ऑफ द स्पर्मैटिक कॉर्ड, राइट. सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स ऑल. नाउ वी विल सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस यू नो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द एक्सेसरी डक्ट. सो जो सेकेंड पार्ट हमने पढ़ना है स्क्रॉटम के बाद, दैट इज द डक्ट सिस्टम ऑफ द मेल, एक्सेसरी डक्ट हमने पढ़नी है, राइट. सो वी विल सी एक्सेसरी डक्ट जो कि स्पर्म को बाहर लेकर जाएंगे, कैसे, वी विल सी इट. तो ये एक्सेसरी डक्ट होती कैसे हैं टेस्टीज में, लेट मी टेल यू. दिस इज सपोज करो टेस्टीज का सेक्शन में बना रही हूँ, ये टेस्टिस का सेक्शन है, देख रहे हो, ये देखो, ये इसके लेयर्स हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स, और ये है, इसके अंदर बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, दीज आर
टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ना, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स अभी मैंने बताए थे, और ऑब्वियसली टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो हैं उसमें बहुत सारे सेमिफेरस टिब्यूल होते हैं, कॉइल्ड पार्ट सेमिफेरस टिब्यूल दिस वे, और ये सारे सेमिफेरस टिब्यूल जो हैं दैट ओपन इन दी स्मॉल स्मॉल डक्ट, यहाँ पे छोटी छोटी सी डक्ट होती हैं, दैट इज छोटी छोटी डक्ट होती है, दैट इज रेटिटेस्टिस, और ये रेटिटेस्टिस फाइनली खुलती है बाहर दूसरी डक्ट में, तो ये सारी डक्ट ऐसे खुलती है ना, और ये डक्ट बाहर फाइनली बॉडी के बाहर जाती हैं ऐसे, बॉडी के बाहर मीन्स टेस्टिस के बाहर, फाइनली दे ओपन इन दी एपिडिडिमिस, एपिडिडिमिस इज हाईली कॉइल्ड ट्यूब, एपिडिडिमिस काफी हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है दैट यू, और ये वास्ट डिफरेंस में, सो यस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जिसमें आउटर लेयर जो कवरिंग होती है टेस्टिस की दैट इज ट्यूनिका वेजिनालिस, द ट्यूनिका वेजिनालिस इज आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, मिडल कवरिंग इज द ट्यूनिका एल्बुजीनिया, द ट्यूनिका एल्बुजीनिया इज द मिडल लेयर ऑफ द टेस्टिस, एंड जो इनर मोस्ट लेयर है, ट्यूनिका मीन्स लेयर होती है, कवरिंग है टेस्टिस, ट्यूनिका वेजिनालिस दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस, तो ये सारी कनेक्टिव टिश्यू की शीथ है अराउंड द टेस्टिस व्हिच इज कवरिंग द टेस्टिस, सो दीज आर द शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसके अराउंड अराउंड द टेस्टिस राइट, तो ये टेस्टिस की कवरिंग है, सीटी मींस कनेक्टिव टिश्यू अराउंड टेस्टिस, तो टेस्टिस के अराउंड ये शीट है, और यहाँ पे जो ईच टेस्टिस है उसमें बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, वी नो दिस इज द पार्ट ऑफ द टेस्टिस ऑब्वियसली, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में बहुत सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल है, तो ये सारे के सारे अभी तक तो टेस्टिस में हम पढ़ चुके हैं, सेमिनिफेरस डक्ट हम पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे फाइनली सेमिनिफेरस टिब्यूल राइट, सेमिनिफेरस टिब्यूल है ये, तो ये भी टेस्टिस का पार्ट है, वी हैव ऑलरेडी डन इट, तो ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल पार्ट ऑफ टेस्टिस जो यहाँ पे खुलेगा, अब ये सेमिनिफेरस टिब्यूल कहाँ खुलेंगे, अब ये डक्ट में खुलेंगे, तो पहली डक्ट इज रेटिटेस्टिस, उसके बाद रेटी टेस्टिस कहाँ खुलेंगी, दूसरी डक्ट में विच इज नोन एज वास एफरेंशिया, और ये जो दोनों डक्ट है रेटी टेस्टिस भी वास एफरेंशिया भी, ये दोनों टेस्टिस के अंदर ही प्रेजेंट है राइट, और तीसरी जो डक्ट है दैट इज एपिडिडिमिस, और एपिडिडिमिस फाइनली एब्डोमेन में एंटर करेगा वास डिफरेंस की फॉर्म में, so vas deferens the fourth duct and vas deferens fir urethra ke through bahar niklega which I have shown you in the diagram, so epididymis is the longest tube, theek hai, to epididymis vas deferens jo bhi ejaculatory duct hai wo sab bahar open ho, wo sirf abdomen mein jaake fir bahar nikal jayega right, so obviously bacha yahan pe jo epididymis hai uske bahut sare parts hain, to yahan pe pehla head part that is the caput, caput means obviously cap, तो ये हेड पार्ट है कैपिट एपिडिडिमिस, ये है कैपिट एपिडिडिमिस, फिर इसकी बॉडी है दैट इज कॉर्पस एपिडिडिमिस, और उसके बाद लास्ट टेल पार्ट है दैट इज द कॉडल एपिडिडिमिस, ये तीनों पार्ट एपिडिडिमिस के होते हैं, ये आपको याद रखना है राइट, एंड ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो वास एफरेंशिया है रेटी टेस्टिस है बोथ दीज प्रेजेंट इन दी टेस्टिस, तो ये होती है पार्ट ऑफ इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट, इंट्रा मीन्स इनसाइड, टेस्टिकुलर मीन्स टेस्टिस, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट का पार्ट है, तो यहाँ पे इनका काम क्या होगा, टेक स्पर्म ट्रांसफर स्पर्म आउटसाइड बॉडी और सॉरी आउटसाइड टेस्टिस, तो टेस्टिस के बाहर लेकर जाएंगे, ये इसका काम है, और इसमें कौन सी आती है, दो डक्ट आती है दैट इज रेटी टेस्टिस और दूसरी होती है बेटा वास एफरेंशिया,
अब वास डिफरेंशिया का काम क्या होता है, ये स्पॉर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब उसको भागने में मदद करेगा, प्रोवाइड मोटिलिटी टू स्पॉर्म, ये इसका फंक्शन है। और फाइनली वास डिफरेंशिया कहाँ खुलेंगे, लॉन्गेस्ट ट्यूब एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट में। सो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट मीन्स जो बॉडी के जो टेस्टिस के बाहर है, तो इंट्रा टेस्टिकुलर, इंट्रा मीन्स इनसाइड, टेस्टिकुलर मीन्स टेस्टिस, ये टेस्टिस के अंदर है और एक्स्ट्रा मीन्स बाहर है, ये अब टेस्टिस के बाहर जा चुकी है। सो दीज डक्ट्स प्रेजेंट आउटसाइड द टेस्टिस। तो पहला है एपिडिडिमिस। तो एपिडिडिमिस जो है वो फाइनली यहाँ पे मेच्योरेशन एंड टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द स्पॉर्म करता है। तो मेच्योरेशन ऑफ स्पॉर्म, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द स्पॉर्म यहीं पर होता है, टेम्पररी स्टोरेज कुछ टाइम के लिए यहीं पर स्टोर हो जाता है ना, इसका टेम्पररी घर है, स्टोरेज ऑफ स्पॉर्म। एंड उसके अलावा दिस इज द लॉन्गेस्ट डक्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सारी डक्ट में से सबसे लंबी डक्ट होती है ये। और फाइनली वा एपिडिडिमिस कहाँ खुलेगा, वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस एक लंबी सी ट्यूब है जो फाइनली स्पॉर्म को यूरेथ्रा में लेकर जाती है, राइट। तो फाइनली एब्डोमेन में खुलेगी वास डिफरेंस। तो बेटा वास डिफरेंस जो है दैट विल ओपन टू दी, वास डिफरेंस कहाँ ओपन होएगा, ओपन टू, आई मीन इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर डक्ट जो कि यहाँ पे एब्डोमेन में एंटर करेगा। इट्स अ लॉन्ग मस्कुलर डक्ट एंटर एब्डोमेन थ्रू इंग्विनल केनाल थ्रू द स्पोमैटिक डक्ट, राइट। सबको पता है स्पोमैटिक डक्ट क्या है। तो अब ये एब्डोमिनल केनाल में, एब्डोमिनल बॉडी में, एब्डोमिनल कैविटी में एंटर हो जाता है। तो बॉडी में अंदर एंटर हो चुका है। अब फाइनली अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये वास डिफरेंस है और वास डिफरेंस बॉडी में एंटर हो गया। अब ये अंदर बॉडी में एंटर हुआ, ये सेमिनल वेसिकल है विच इज द पार्ट ऑफ ग्लैंड, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये ग्लैंड का पार्ट है, एक्सेसरी ग्लैंड है। तो यहाँ पे ये जो सेमिनल वेसिकल है और वास डिफरेंस है, इन दोनों की कॉमन डक्ट है, ये दोनों अपनी सिक्रेशन को एक कॉमन डक्ट में डालेंगे, एंड विच इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। और इजैकुलेटरी डक्ट फाइनली यूरेथ्रा में खुलेगा और यूरेथ्रा सारे स्पॉर्म को बाहर लेकर जाएगा। तो बेटा याद रखना कि जो यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट है, इट इज द कॉमन ओपनिंग ऑफ वास डिफरेंस। तो ये कॉमन ओपनिंग है वास डिफरेंस की और सेमिनल वेसिकल की, इन दोनों की, गॉट इट, इन दोनों की ये कॉमन ओपनिंग है, कॉमन डक्ट, जो ये दोनों एक कॉमन डक्ट में खुलेंगे और ये फाइनली यूरेथ्रा में खुलेगा। और मेल के केस में यूरेथ्रा यूरिन भी लेकर जाएगा, इसलिए यूरिनरी ब्लैडर दिखा रखा है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का यूरेटर भी यूरेथ्रा में खुलेगा और गेमेट्स भी लेकर जाएगा बाहर। सो इट एक्ट एज यूरिनो जेनिटल अपर्चर, किसकी तरह काम करेगा बेटा, यूरिनो जेनिटल डक्ट की तरह। यूरिनो जेनिटल मीन्स यूरिन को भी और गेमेट्स को भी, दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। सो यूरिनो जेनिटल पैसेज है जिसको फाइनली ये ओपनिंग के थ्रू, जिसको यूरिनो जेनिटल अपर्चर बोलते हैं, उस ओपनिंग के थ्रू यहाँ पे बॉडी के बाहर लेकर जाएगा, इस यूरिनोजेनिटल मीटस के थ्रू बॉडी के बाहर लेकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वास डिफरेंस मैंने सबको दिखा दिया कि कैसे एंटर हुआ बॉडी में, एब्डोमिनल कैविटी में, और जो वास डिफरेंस की डक्ट है और जो सेमिनल वेसिकल की डक्ट है दोनों तरफ वाली, तो ये फाइनली एक कॉमन डक्ट में खुलेंगी, दैट इज दी इजैकुलेटरी डक्ट। गॉट इट, अभी मैंने बता दिया जैकुलेटरी डक्ट क्या है, इट्स अ कॉमन ओपनिंग फॉर सेमिनल वेसिकल एंड वास डिफरेंस। एंड फाइनली इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में खुलेगा, एंड यूरेथ्रा के भी तीन पार्ट्स हैं, यूरेथ्रा के भी मेल में तीन पार्ट्स हैं।
सो पहला पार्ट, जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, पहला पार्ट जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास है, दिस इज द प्रोस्टेटिक ग्लैंड पार्ट, प्रोस्टेटिक पार्ट बोलते हैं। जो बल्बो यूरेथ्रल के पास होगा ये जो पार्ट है, दिस इज द मेम्ब्रेनस पार्ट, और बाकी जो पूरी पीनिस में रन करता है दैट इज द पिनाइल यूरेथ्रा पार्ट। तो तीन पार्ट है अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग। कौन कौन से तीन पार्ट है बेटा? सबसे पहले प्रोस्टैटिक और ग्लैंडुलर यूरेथ्रा, तो ये मीडियम साइज का है, जैसे हमने देखा प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के, प्रोस्टैटिक ग्लैंड के अराउंड रन कर रहा है, राइट। उसके बाद दूसरा क्या बताया मैंने? मेम्ब्रेनस। तो मेम्ब्रेनस जो था वो कॉपर्स ग्लैंड के आसपास था। और तीसरा मैंने बताया पिनाइल यूरेथ्रा, जो सबसे लंबा पार्ट यूरेथ्रा का होता है, तो इट इज अप्रोक्स 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर है। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करेंगे, प्रोस्टेट यूरेथ्रा की बात करेंगे, तो ये 3 to 4 सेंटीमीटर होता है, और सबसे छोटा होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, सिर्फ 1 to 2 सेंटीमीटर। तो ये तीनों पार्ट यूरेथ्रा के फाइनली कहाँ खुलेंगे बेटा? दे विल ओपन, दे विल टेक दिस स्पर्म आउटसाइड बॉडी टू दी यूरिनो जेनिटल अपर्चर के थ्रू बाहर लेकर चले जाएंगे। तो मतलब ये है स्पर्म का फ्लो, स्पर्म फ्लो इसी डायरेक्शन में होता है, और यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है, यूरिनो जेनिटल कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड गेमीट्स। तो यूरिन और गेमीट्स दोनों यहीं से पास होते हैं, इसलिए इसको यूरिनो जेनिटल पैसेज भी कहा जाता है। तो है ना अमेजिंग। तो अगर हम फ्लो ऑफ स्पर्म देखेंगे, तो फ्लो ऑफ स्पर्म का डायरेक्शन क्या है? यू नो वेरी वेल, अभी हमने देखा। तो सबसे पहले टेस्टीज में स्पर्म बनेगा, फिर टेस्टीज में डक्ट्स में खुलता है। तो सबसे पहली डक्ट है रेटी टेस्टीज, तो टेस्टीज में स्पर्म बना, फिर वो खुलेगा रेटी टेस्टीज में, रेटी टेस्टीज खुलेगा वास इफरेंशिया में। गॉट इट? वास इफरेंशिया कहाँ खुलेगा? वास इफरेंशिया खुलेगा एपिडिडिमिस में। और मैंने कहा था कि जो वास इफरेंशिया है और रेटी टेस्टीज है वो इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट है, राइट। ये खुलेगा एपिडिडिमिस में। एपिडिडिमिस कहाँ खुलेगा? एपिडिडिमिस खुलेगा वास डिफरेंस में। गॉट इट? इट विल ओपन इन वास डिफरेंस। वास डिफरेंस कहाँ खुलेगा? इजैकुलेटरी डक्ट में। और इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ खुलेगा? यूरेथ्रा में। और फाइनली यूरेथ्रा खुलेगा यूरिनोजेनिटल अपर्चर और मीटस ओपनिंग के थ्रू बाहर। तो बेटा दिस इज द फ्लो ऑफ स्पर्म विच यू हैव टू रिमेम्बर, दैट्स ऑल। तो ये सारा एक्सेसरी डक्ट्स भी हमने देख लिए, सारी एक्सेसरी डक्ट है रेटी टेस्टिस से लेकर और पूरा एंड तक, राइट। उसके बाद जो थर्ड थिंग है जो हमने देखनी है, दैट इज द एक्सेसरी ग्लैंड्स। सो बेटा एक्सेसरी ग्लैंड्स जो है वो कितनी है? टोटल 3 होती है। तो जिनके डायग्राम मैंने आपको बताए, यहाँ पे दो उसमें से पेयर्ड हैं, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, और यहाँ पे दूसरा जो है दैट इज अनपेयर्ड है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड अगर आप डायग्राम में देखेंगे वो पेयर्ड लग रहा है, पर होता क्या है, जैसे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये यूरेथ्रा है, तो इसके पीछे लगा होता है, तो मतलब होता एक है लेकिन दिखता दो है। अनपेयर्ड मतलब यहाँ पे ये पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और जो लास्ट ग्लैंड है दैट इज पेयर्ड कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बेटा यहाँ पे इनका फंक्शन क्या है? आई विल बी टेलिंग यू। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है जो कि आपने देखा था कि ऐसे बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है, और यूरेथ्रा के दोनों एंड्स पे लगा होता है, दोनों साइड पे लगा होता है। तो यहाँ पे हमें पता है जब स्पॉर्म बाहर निकलता है तो वो अकेला नहीं, कुछ फ्लूइड के साथ निकलता है। तो स्पॉर्म प्लस फ्लूइड को बोलते हैं सीमन। सीमन में क्या होता है? सीमन के दो कंपोजिशन है, स्पॉर्म अप्रोक्स 5 to 10% है, और बाकी जितना भी मैक्सिमम पार्ट है दैट इज द सेमिनल प्लाज्मा।
सेमिनल फ्लूइड उसमें होता है, प्लाज्मा होता है, तो टोटल 95% यही बनाता है, दोनों को मिलकर सीमन कहते हैं। और स्पर्म बनाता है, सिक्रीट करता है टेस्टीज, जो अभी हमने देखा, और सेमिनल प्लाज्मा कौन सिक्रीट करेगा, सिक्रीटेड बाय, जल्दी बताइए, सिक्रीटेड बाय एक्सेसरी ग्लैंड, तो इसको एक्सेसरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या है इन एक्सेसरी ग्लैंड की सिक्रीशन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पेयर्ड सेमिनल वेसिकल जो है, टोटल प्लाज्मा, जो सेमिनल प्लाज्मा है उसका 60% यही सिक्रीट करता है, तो 60% ऑफ सेमिनल प्लाज्मा यही सिक्रीट करेगा, यही उसका 60% पार्ट सिक्रीट करता है, तो मतलब मैक्सिमम पार्ट इसका है, इसलिए उसका नाम सेमिनल प्लाज्मा होता है, क्योंकि सेमिनल वेसिकल मैक्सिमम चीजें सिक्रीट कर रहा है। और इसकी कंपोजिशन में होता है फ्रक्टोज, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा स्पर्म को, सिट्रिक एसिड, इनका काम क्या होगा, सिंपली नरिश करना, तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे स्पर्म को, एज सिंपल एज दैट। उसके अलावा यहाँ पे जो सीमन निकलता है क्लॉट फॉर्म में निकलता है, क्लॉटिंग होती है, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजेन जो कि सीमन को क्लॉट करता है, वो इसी का ही काम होता है, यही सिक्रीट, यही सीमन को क्लॉट करेगा। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है, जैसे ही स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएंगे तो यूट्रस की दीवारों में उल्टी मूवमेंट, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराएगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी कराएगा मूवमेंट, जिससे स्पर्म इजीली फेलोपियन ट्यूब में जा सके, तो मतलब ये यूट्रस को स्टिमुलेट करेगा फीमेल में, तो ये देख रहे हो कितना अमेजिंग काम है इसका। दूसरा एल्केलिनिटी प्रोवाइड करना भी सेमिनल वेसिकल का काम होता है, तो इट प्रोवाइड एल्केलिनिटी टू सीमन, तो एल्केलिनिटी प्रोवाइड करता है सीमन को, राइट। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, यहाँ पे ये जो है एल्कलाइन, मतलब यहाँ पे अगर इसका काम देखेंगे तो बेसिकली कैल्शियम आयन सिक्रीट करेगा, और कैल्शियम आयन का काम होता है इसको मोटिलिटी देना, बाकी यहाँ पे नरिश करता है स्पर्म को, और मेच्योर मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी टू स्पर्म, तो ये इसका फंक्शन होता है। उसके अलावा जो पर्टिकुलर यू नो कलर होता है जो स्पर्म सीमन का, वो इसी की वजह से होता है, तो इट बेसिकली गिव द व्हाइटिश अपीयरेंस टू द स्पर्म, मिल्की अपीयरेंस टू द सीमन, तो सीमन का जो मिल्की अपीयरेंस है वो इसी की वजह से होता है। उसके अलावा मिल्की अपीयरेंस के अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक ओडर है, ओडर मीन्स स्मेल, तो वो जो स्मेल होती है सीमन में, वो इसी की वजह से होती है, गॉट इट। और याद रखना फ्रक्टोज सेमिनल वेसिकल निकालता है, और बॉडी में एक ही ऑर्गन है जो कि फ्रक्टोज बना सकता है, वो है सेमिनल वेसिकल, ये आपको याद रखना है, गॉट इट। उसके अलावा ये काफ़ी सारे बफर होता है जो कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए होता है, राइट। और इसका इकलौता एक ही काम है, और इवन ये प्रोस्टाग्लैंडिन भी सिक्रीट करता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, जो ये क्लॉट बना है, इस क्लॉट को डिसॉल्व करना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके, तो वो जो क्लॉट को तोड़ने के लिए फाइब्रिनोलाइसिन है, सो फाइब्रिनोलाइसिन का काम होता है उस क्लॉट को तोड़ना, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सारे स्पर्म को आजाद करना है, तो फाइब्रिनोलाइसिन वो तोड़ेगा वो क्लॉट, फाइब्रिनो मीन्स क्लॉट और लाइसिन मीन तोड़ना, तो वो तोड़ने का काम भी इसी का ही होता है, राइट। तो ये क्लॉट को डिसॉल्व करेगा, जो क्लॉट सेमिनल वेसिकल की वजह से बनता है। और कॉपर्स ग्लैंड का इकलौता एक ही काम है, ल्यूब्रिकेशन, राइट। सो ऑब्वियसली इट हेल्प इन दी ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ल्यूब्रिकेशन में ये हेल्प करता है, म्यूकस सिक्रीट करेगा, राइट। तो इट सिक्रीट म्यूकस फॉर ल्यूब्रिकेशन, तो ये इसका काम होता है, दैट्स ऑल। तो बच्चा दैट्स ऑल अबाउट द सीमन, ये आपको याद रखना है, एंड वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सेसरी ग्लैंड्स। और फिर बचा कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसके थ्रू सीमन बाहर जाएगा, कॉपुलेटरी ऑर्गन पीनिस है, तो पीनिस कैसा होता है, वी नो इट इज सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, पेंडुलम स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, राइट, ये पीनिस है।
पीनिस में स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, थ्री इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, और उन इरेक्टाइल टिश्यूज का जो काम है वो होता है इजैकुलेशन, राइट। तो लाइक इरेक्शन और इजैकुलेशन में वो मदद करते हैं। तो वो जो तीन इरेक्टाइल टिश्यूज में से एक होता है कॉर्पस, यूरेथ्रे और स्पॉन्जियोसम। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है वो यूरेथ्रा के अराउंड होता है, इसलिए इसको यूरेथ्रे भी बोलते हैं। ये एक ही होता है। और दो जो होते हैं दैट इज दी टू पेयर्ड, पेयर्ड में जो होते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा। ये कैवर्नोसा ये दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट राइट साइड में पीनिस की। तो ये दो इरेक्शन में मदद करते हैं, इजैकुलेशन में मदद करते हैं। और जो टिप होती है पीनिस की दैट इज नोन एज ग्लैंड्स पीनिस। तो ग्लैंड्स पीनिस क्या है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा मतलब हेयरलेस शाइनी, हेयरलेस स्मूथ शाइनी टिप होती है। जिसको ग्लैंड्स पीनिस बोलते हैं। और इसको कवर करने के लिए एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है, तो ऑब्वियसली इट इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसका नाम होता है फोरस्किन और प्रिप्यूज। सो ये फोरस्किन और प्रिप्यूज इन सम रिलीजन इट ऑल्सो यू नो दे जस्ट यू नो सर्जिकली दे जस्ट रिमूव इट ऑल्सो, राइट। तो वो सर्कमसिशन होता है। तो फोरस्किन और इसको बोलते हैं यहाँ पे प्रिप्यूज। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ग्लैंड्स पीनिस इज दी शार्प हेयरलेस बेसिकली एक एक रीजन है, और जिसमें स्लिट होती है, ओपनिंग भी होती है। तो यू कैन सी, तो ये जो ओपनिंग है यूरेथ्रल मीटर्स, जहां से कि ये अपर्चर से ही सारा स्पर्म बाहर जाता है, सीमन बाहर जाता है। तो ग्लैंड्स पीनिस क्या है, हेयरलेस स्मूथ शाइनी टिप ऑफ दी पीनिस है, और जिसका जो कि फोल्ड होता है, जो कवर होता है स्किन फोल्ड से, दैट इज नोन एज फोरस्किन और प्रिप्यूज। तो बच्चा दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप यू हैव गॉट ऑल दी थिंग एंड वी हैव कवर्ड ऑल दी थिंग हियर इन दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो वी विल सी यू ऑल इन दी अदर क्लास। हैव अ ग्रेट डे। एंड दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट इनरोल्ड फॉर दी एकलव्य बैच और डोंट नो दी एकलव्य बैच, तो उसके लिए प्रिपेयर करिए, उसका पार्ट बनिए, बिकॉज वहां पे सिर्फ बच्चे स्कॉलरशिप से जाते हैं, फॉर फ्री वो बैच चलता है। अमेजिंग टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उसमें, और वो सिर्फ आप एक स्कॉलरशिप एंड फॉर फ्री है, तो बिल्कुल फ्री है। आप पैसे देकर अगर आना चाहते हैं उस बैच में नहीं आ सकते, तो प्लीज प्रिपेयर फॉर इट एंड बी दी पार्ट ऑफ इट, राइट। सो हैव अ ग्रेट डे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। इंजॉय।